हेलो दोस्तों, लर्न बेसिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम अपने मोबाइल के इंटरनेट को हॉटस्पॉट के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं या अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, तो इस तरीके का कुछ वाईफाई के ऊपर एक येलो ट्रायंगल बन के आ जाता है, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। येलो ट्रायंगल बन के आ जाता है, मतलब वाईफाई सही से काम नहीं करता या इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा होता है। ठीक है, इस ट्रायंगल का मतलब ये एक एरर है। इस ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए, बहुत इजी मेथड है ये। मेथड 90% केसेस में काम करता है, सिर्फ 10% केसेस हो सकता है क्योंकि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ मतलब लैपटॉप्स या कंप्यूटर में कुछ अलग सेटिंग होती है, तो हो सकता है वहाँ पर ये वर्क ना करे। लेकिन 90% केसेस में अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी आपका इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं। सिंपल, चलते हैं कंट्रोल पैनल पर। ठीक है, मैं लेफ्ट साइड से ओपन कर रहा हूँ। ये आप में कहीं और से भी ओपन हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको कहीं नहीं मिल रहा, तो आप सिंपल सर्च ऑप्शन में जाइए और वहाँ पर कंट्रोल पैनल लिख दीजिए, तो भी ये सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कंट्रोल पैनल पे। जब आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे, तो ऐसा विंडो आ जाएगा। वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर देगा। हमें इसमें किसी और टैब को नहीं टच करना है, हमें सिर्फ जाना है डिवाइस मैनेजर पर। ये देखिए, डिवाइस मैनेजर यहाँ पर दिया हुआ है, इसको सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जब आप डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क एडाप्टर से मतलब है। नेटवर्क एडाप्टर कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, नेटवर्क एडाप्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, नेटवर्क एडाप्टर्स। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो नीचे कई सारे आपको ऑप्शन देगा, कई सारे एडाप्टर आपको दिखाएगा। तो हमें सिर्फ पहले वाले एडाप्टर से मतलब है। ये देखिए, लिखा हुआ रॉ लिंक RT, और ये कोड नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद वाईफाई एडाप्टर, ये आप में किसी और कोई और भी हो सकता है। हो सकता है कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोई दूसरा वाईफाई अडाप्टर हो सकता है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे लिखा होगा वाईफाई अडाप्टर। ठीक है, सिंपल इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पर पहले एक बार डिसेबल करना है। ठीक है, सिर्फ डिसेबल करना है। ध्यान रखिएगा, कुछ अनइंस्टॉल या कुछ और मत करिएगा, सिर्फ डिसेबल करिएगा। ऑप्शन आपको बहुत सारे देगा ये, लेकिन हमें सिर्फ इसको डिसेबल करना है। उसके बाद वापस से इनेबल कर देना है। ठीक है, ये कुछ वैसा ही है जैसे कि हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं या रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसको डिसेबल करते हैं पहले और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। ये मैंने डिसेबल पर क्लिक कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ जूम, और यहाँ से यस पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब ये अभी आप देखिएगा कि ये डिसेबल, ये देखिए ये डिसेबल हो गया। डिसेबल का मार्क क्या होता है, मतलब कैसे पता लगेगा कि डिसेबल हुआ है? एक डाउन एरो बन के आ रही है यहाँ पर। ये देखिए, छोटी सी डाउन एरो यहाँ पे बन करके आ रही है, इसका मतलब कि ये अभी डिसेबल है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करना है। फिर हमें वाईफाई अडाप्टर से ही मतलब है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी और चीज़ को टच मत करिएगा, नहीं और दूसरी कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ वाईफाई अडाप्टर पर राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पर देखिए, अब इनेबल का ऑप्शन आपको देगा। ठीक है, याद रखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमें सिर्फ इनेबल से मतलब है। ठीक है, इसको वापस से इनेबल कर देना, यानी कि पहले हमने डिसेबल किया, उसी को हमने दोबारा से इनेबल कर दिया। ठीक है, जब आप इनेबल क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ से इनेबल हो जाएगा। ये देखिए, ये इनेबल हो गया। अब यहाँ पर कोई डाउन एरो नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ पर डाउन एरो दिख रही थी, जो आपको बता रहा था कि ये पर्टिकुलर जो वाईफाई अडाप्टर है वो डिसेबल है। जब हमने इसको इनेबल किया है, तो यहाँ पर कोई डाउन एरो नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये अब इनेबल है और 90% केसेस में आपका वाईफाई वापस से काम करने लग जाएगा। सिर्फ 10% में ही कुछ प्रॉब्लम रहती है, नहीं होता है उसमें, फिर कुछ और सेटिंग वगैरह की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं येलो ट्रायंगल की, तो वो 90% केसेस में इससे सॉल्व हो जाती है। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।